सबसे पहले तो मैं अपने आज की मेज़बान जनाब तकीज़ादा वाकिफ़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के इस महफिल में मुझे खुद बज़ात खुद फ़ोन करके मदु किया। साहिब सदर जनाब दरवेश मंद साहब, इनका भी फ़ोन आया, इन्होंने और मुझे पाबंद किया। हमारे कयूम बेदार साहब ने व्हाट्सएप के ज़रिए कार्ड भेजा। मैं थोड़ा सोचता रहा कि जाऊं ना जाऊं, मगर मेज़बान और साहिब सदर का जब फ़ोन आया तो मैं पाबंद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने राब्तों को बड़ा आसान बनाया, मगर इंसानों को बड़ा दूर कर दिया। अगर कयूम बेदार साहब आते, हम चाय भी पीते, थोड़ा सा गपशप भी होता। ख्वातीन और हजरात, मैं ये सोच के आया था कि मैं आज के इस महफिल में इतने बड़े असातज़ा इकराम से कुछ सीख के जाऊंगा, मगर मुझे वो कहते हैं ना, मुझे धक्का किसने दिया। मुझे जब स्टेज पे बिठाया तो मैं सोचता रहा कि बात क्या करूंगी इतने असातज़ा के दरमियान में। मैं सुनने से भी फारिग हुआ, सोचता रहा कि क्या बात करना होगा। तो इसका जो है इजाला खुद हमारे आज के मेज़बान साहब करेंगे। फिर कभी हमें बुलाएंगे, हमें उस सीट पे बिठाएं ताकि हम सुन तो लें कि क्या बात है, क्या तहकीक है, हम इस इल्म से मुस्तफीद हों। अब अर्ज़ ये कि हम जब फ़ारसी ज़ुबान पे बात करते हैं, इसके अहमियत पे बात करते हैं, इस ज़ुबान के कुदरत पे, इस ज़ुबान के जो अपीलिंग खासियत है उस पे बात करते हैं, तो ये एक बहुत तवील फ़ासला तय किया है ज़ुबान ने। 200 साल कबल अज़ मसीह अलैहिस्सलाम, पहलवी ज़ुबान जिसको हम अभी अवस्ताई ज़ुबान भी हम कहते हैं, उसका एक अपना रस्मुल ख़त हुआ करता था, जिसमें ज़रतुश्ती मज़हब का इल्हामी किताब भी नाजिल हुआ। और इस तमाम सफ़र में उस कौम को, उस सरज़मीन के लोगों को जिसको हम पारसियान कहते हैं, उसको उनको खिराज तहसीन में पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे रियासत की तश्कील दी जिन्होंने बड़े अजीम और बड़े इंसान पैदा किए, साथ साथ अपने तहजीब को आगे ले जाने के लिए उसके अखलाकियात, उसके इल्म और अदब, उसके तमाम मामलात को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उन पारसियान ने एक कौमी वजूद का तश्कील दिया जो मुसलसल कई हज़ार साल आगे बढ़ता गया और अपने असरात अपने खित्ते में, अपने इर्द गिर्द छोड़ता रहा। 200 साल कबल मसीह से लेकर अरब आमद तक इस ज़ुबान का रस्मुल ख़त या सिस्टम ऑफ अल्फ़ाबेट्स पहलवी था। उसके बाद अरबी ज़ुबान भी के रस्मुल ख़त ने उस पहलवी ज़ुबान को लाया, मगर कमाल यह है कि फ़ारसी ज़ुबान अपने असल शक्ल को नहीं खो बैठा। उसका वजह यह है कि उस कौम ने उस हुकूमत को तश्कील दी और हुकूमत ने मुसलसल अपने इस तहजीबी विरसे ज़ुबान पे, इसके इल्म और अदब पे काम करता रहा। इसीलिए अरबी ज़ुबान या तुर्की या आप और मंगोलियन ज़ुबान को अपने अंदर ये ज़ुबान जज्ब करता गया और वसत पा के बाकी दुनिया में असरअंदाज होता रहा। अब फ़ारस का एक बहुत बड़ा बादशाह जिसको हम शहनशाह कहते हैं, कुरुश कबीर, जब वो अपना एलामिया जारी करता है तो अगर आप देखें कि एलामिया में 72 हुकूमतें उसके ज़ेरे तसल्लुत थे और 72 बादशाहों का वो शहनशाह था। अगर उस एलामिया को आप पढ़ें कि वो ये कहता है कि मैं कुरुश कबीर इन 72 हुकूमतों का शहनशाह हूँ,
मेरे तरफ से इस बात की आज़ादी है कि वो अपने ज़ुबान, अपने सकाफत, अपने मज़हब में वो आज़ाद रहे। और उसने यहाँ तक कहा कि यहाँ इंसान फरोशी, बुर्दा फरोशी जो आज का जो है दुनिया में भी मुकम्मल है, उसको भी वो कंडेम करता है और उस पर पाबंदी लगाता है, साथ साथ मज़हब और इंतज़ामी आज़ादी का भी इख्तियार देता है कि अगर कोई हुकूमत, कोई कौम मेरे इस शहनशाह से आज़ाद होना चाहता है, उसको इख्तियार है, वो अपने अलहदा हुकूमत करे। जो आज तक मैं देखता हूँ कि उस फलसफे को बरकरार रखा है इस हुकूमत ने, इसके बुनियाद पे हिंदुस्तान तक फारसी ज़ुबान, सेंट्रल एशिया तक, और साथ साथ ये बाकी खित्ते जो अज़रबैजान और यहाँ जाए, ये ज़ुबान को लोगों ने, इस कल्चर को लोगों ने मोहब्बत और एहतराम के साथ तस्लीम किया और अपने कल्चर का हिस्सा बनाया, क्योंकि इनके उन हुकुमरानों ने सबको आज़ादी दी कि वो किस तरीके से आज़ाद तरीके से वो उसके 72 शहनशाह जो है हुकूमतों में वो रहें या न रहें, उनको आज़ादी दी। जो आज हम और आप देखें कि आज यहाँ और आपके आसपास बाकी दुनिया में इस तरीके से इतना आज़ादी, कन्फेडरेशन का आज़ादी ना होने का बराबर है, जिसके बुनियाद पे ये जो 72 हुक्मरान थे उन्होंने आज कल्चर को, ईरानी और फारसी कल्चर को, इसके ज़ुबान को अपने ज़ुबानों में, अपने ज़ुबान का हिस्सा बनाया। हम जहाँ यहाँ हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि बिरावी ज़बान सबसे कदीम है और द्रावड़ी ज़ुबान वगैरह वगैरह। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैं इस्फहान में कुछ लोगों से बात कर रहा था और उनका बात फारसी तो था मगर मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा हम पहलवी ज़ुबान बोलते हैं और पहलवी ज़ुबान में ऐसे अल्फाज हैं कि जो आज बिरावी में हम इस्तेमाल करते हैं और बाकी किसी ज़ुबान में इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कदीम पहलवी ज़ुबान भी यहाँ असरअंदाज रहा इस खित्ते में और लोगों ने उसको तस्लीम किया है। उसका एक मिसाल ये है कि अगर हम फारसी में किसी चीज़ को कहते हैं बहुत बड़ा है और हम कहते हैं बड़ा है, तो फारसी में बुज़ुर्ग कहते हैं हम आसान अल्फाज में, मगर पहलवी ज़ुबान में बल्लो कहते हैं उसको। हम बिरावी में भी इसको बाज़ बल्लो या बल्लन ज़ुबान कहते हैं। अगर चूज़ा मुर्गी का, उसको हम फारसी ज़ुबान में यानी चूचा कहते हैं या जो भी आज के जदीद फारसी में है, मगर कदीम पहलवी ज़ुबान में उसको चूरी कहते थे, जो आज भी हम बिरावी ज़ुबान में मुर्गी के चूज़े को चूरी कहते हैं। मैंने एक म्यूज़ियम में चप्पल, ये जो हम बलूची चप्पल देखते हैं, चप्पल को मैंने देखा तो उधर लिखा हुआ था चाबत, तो मैंने उसको कहा ये क्या चीज़ है, मुझे तो पता था क्या था, उसके नीचे टायर लगा हुआ। तो उसने कहा कदीम इलाके में ये जो है जूता ऐसे तरीके से पहनते थे, इसको चाबत कहते हैं, तो हम उसको छवट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ज़ुबान पूरे इस खित्ते में जो 72 मिल्लत थे उसमें मोहब्बत और प्यार से जो है अपना वजूद उसने बरकरार रखा है, बल्कि बाकी ज़ुबानों को भी अपने अंदर तस्लीम किया। अब ईरान का कमाल ये है कि ईरान का कौमी ज़ुबान फारसी है या पारसियान का ज़ुबान है और सब लोग इस ज़ुबान को बोलते हैं, दिल्ली तक बोला जाता था। आज भी हमारे पास कदीम ज़मीनों के जो फैसले आते हैं, जो कदीम 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराने सनद आते हैं, वो सब पहलवी ज़ुबान के कदीम ज़ुबान में है। उसके लिए ख़ास हमारे असाज़ा हैं या ख़ास इस किस्म के काजी साहिबान हैं जो इस ज़ुबान को समझते हैं और उसको तर्जमा करते हैं, तो हम अपने जिरगों में उन काजी साहिबान को बुलाते हैं जो पहलवी ज़ुबान समझते थे। हम आज भी उसको शायद नहीं समझते, मगर क्योंकि ये ज़ुबान राइज था और राबते का ज़ुबान था, इसको लोग समझते थे। जिस तरीके से आज इंग्लिश का ज़ुबान आहिस्ता आहिस्ता वसत पा रहा है, तो फारसी ज़ुबान का ये कमाल है कि उसने बाकी ज़ुबानों को अपने अंदर जज्ब किया मगर ख़ुद अपना असल शक्ल नहीं खो बैठा, क्योंकि उसके रियासत को उसके अवाम ने तशकील दी और उस रियासत ने अपने तहजीब, अपने तमद्दुन, अपने ग्रामर, इन तमाम मामलात को वो समझते गए। मसलन मैंने एक किताब में पढ़ा द पर्शियंस, और कमाल का मैं इस बात को कभी भूलता नहीं हूँ, द पर्शियंस में उस खातून ने लिखा कि अरबी ज़ुबान के जो
ग्रामर के 45 बड़े असाध्या हैं, 45 बड़े असाध्या में से 13 फारसी जुबान है। इसका मतलब ये है कि बिरावी, बलोची, पश्तो, बाकी जुबान जो भी हैं उन पे अतराफ में अपना फारसी ने अपना असर छोड़ा है, जबकि फारसी जुबान के 45, अरबी जुबान के 45 बड़े असाध्या में 13 फारसी जुबान के हैं। इसका मतलब है अरबी जुबान पे भी इनका असर यकीनन है, उस पे भी तहकीक है और उस पे भी काम होना चाहिए। तो ये सरजमीन, जिस सरजमीन को पारसियान का सरजमीन कहते हैं, 1936 में जो रज़ा शाह पहलवी का वालिद था मोहम्मद रज़ा ख़ान, उसने फिर इसको ईरान करार दिया, क्योंकि उसने ये कहा कि सारे अक्वाम यहाँ रहते हैं वो आर्यंस हैं, उनमें थोड़े से फ़ारस हैं। तो इसलिए उन्होंने ये नोटिफिकेशन की अपने तमाम तर एम्बेसीज को कि आज के बाद 1938 से 36 में के बाद ये ईरान करार दिया जाएगा। इसके बुनियाद पे फिर आज इसको हम ईरान कहते हैं, मगर ये असरंदाज इस खत्ते में रहा है और हमने उससे फ़ायदा उठाया है। अगर हम उस जामे ज़ुबान से फ़ायदा उठाएं तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। आखिर में मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में एक खाने फरंग के तवसुत से एक लाइब्रेरी मौजूद है, और उस लाइब्रेरी ने पाकिस्तान में जितने फ़ारसी ज़ुबान के कलमी नुस्खे हैं उनको जमा किया है और उसको जमा कर रहे हैं। बहरहाल आप भी समझते हैं कि हमारे मुल्क का ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, वो किताबें कहीं एक बड़े बिल्डिंग में पड़े हैं, ये मैनेज कर रहे हैं, मगर उसके लिए ज़मीन अभी तक नहीं मिल रहा है कि उन किताबों को बाकायदा तौर पे उनके हिफाजत किया जाए। उस किताब खाने का कमाल ये है कि वहाँ फारसी ज़ुबान के 17,000 कलमी नुस्खे हैं, कि एक जगह पर ईरान में भी इतने किताबें नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि इस खत्ते में फ़ारसी ज़ुबान का अहमियत था। इस खत्ते ने मसलन हम अलामा इकबाल जैसे इंसान को पैदा किया, जिसका बहुत बड़ा जो है फ़ारसी ज़ुबान के लिए शायरी में उन्होंने एक पैगाम दिया है। इसी तरीके से असदुल्ला गालिब, जिसका फ़ारसी और उर्दू का एक मिक्सचर ज़ुबान, फ़ारसी में भी उन्होंने कहा है, ख़ुद आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र भी फ़ारसी में शेर कहते थे, और एक बहुत बड़ा शायर जो कि दिल्ली में रहता था, यानी हम कहते हैं दानी के अस्तम दर इन ज़ुबान मन खुसरो शीरीन ज़ुबान, हफ्त ज़ुबान में एक ज़ुबान अमीर खुसरो फ़ारसी में भी बात करता था। इसी तरीके से तारीख़ फ़रिश्ता, जो कि दिल्ली और इंडिया में एक ईरानी रहता था, जिसने 322 साल पहले 3 जिल्द का एक किताब लिखा है, उसने पूरे हिंदुस्तान की तारीख को उसमें लिखा, वो भी खुद फारसी ज़ुबान था। इसका यह है कि इस रियासत ने जिसको की तश्कील उस फारसी कौम ने दिया है, उसने अपने ज़ुबान और तहजीब तमद्दुन को मोहब्बत और प्यार और इल्म और अदब के साथ फैलाया। ज़रूरत यह है कि जो हमारे लोकल किताबें हैं उनका तर्जुमा फारसी ज़ुबान में होना चाहिए। उसका वजह यह है कि ईरान में किताबखान लोगों का बहुत बड़ा तादाद है। मसलन पहले एक किताबी मेला 15 मई को तेहरान के अंदर मसल्ला का जो मस्जिद है वहाँ होता था। 10-15 दिन मैं खुद भी 2 दफ़ा गया और मैं 5 घंटे उस किताबी मेले में घूमता रहा, फिरता रहा, मैं उसका 1/4 तक नहीं पहुंच सका, इतना बड़ा किताब मेला था। अब उसको शिफ्ट करके एयरपोर्ट की तरफ, तेहरान के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके तरफ ले गए, वो भी हर साल होता है। अब अगर खाने फरहंग और हमारे जो इल्मी इदारे हैं, पश्तो, बिरावी, बलोची और हज़ारगी के हमारे जो अदीब हैं, रब्ता करें आगा के साथ कि हमारे लोकल ज़ुबानों के जो किताबें हैं उनको भी ट्रांसलेट करके फ़ारसी ज़ुबान में ले जाएं, ताकि वहाँ के जो किताब दोस्त हमारे मोहतरम हैं वो हमारे भी इल्मी और अदबी जो ख़ज़ाना है उससे मुस्तफ़ीद हो, और हमारे एक जो मोहब्बत का इल्म का रब्ता है जो कि बॉर्डर से क्रॉस करते वक्त किसी वीज़ा और किसी पासपोर्ट का ज़रूरत नहीं है,
उस हम रास्ते को अपनाएं ताकि इस खत्ते में अमन आशिक आशती और मोहब्बत का जो कि रिश्ता है उसको आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया।